अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं, और ये नया साल आपका बहुत 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 अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। तो आज जो है, बहुत दिन बाद मैंने जो है देसी कपड़े पहने हैं, बिकॉज आपको पता है विंटर है और इस्लामाबाद में तो इतनी ठंड है कि कोई हाल नहीं है। तो आई वॉज़ कॉन्स्टेंटली इन माई लेज़ी जोन एंड मैं बार बार जो है वो बस कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड वो पहन लेती थी, क्या कहते हैं, स्वेट शर्ट और उसके साथ उसकी स्वेट पैंट्स। और उससे एक तो इतनी मैं लेज़ी लेज़ी रह रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली दोज आर जस्ट लाइक वेरी कोजी लेज़ी काइंड ऑफ क्लोथ्स। फिर उसके साथ आप मेकअप भी इतना नहीं कर रहे होते, सो बस वो वाइब जो थी ना वो नहीं बनी। तो आज मैंने पहना है एक ये लवली सा आउटफिट। मैं अभी आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। सो हुआ ये कि मैं सुबह उठी, सुबह तो खैर आजकल मैं नहीं उठ रही, बट जो सच बात है, व्हाई शुड आई लाई, आई एम वेकिंग अप अ लिटिल लेट एंड आई एम रियली ट्राइंग कि मैं अपनी रूटीन ठीक कर सकूँ किसी तरह। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बट बेसिकली जब भी उठी, जितने भी बजे उठी, और बाय द वे गाइस, आज मेरे बाल जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं बिकॉज मैंने उन पर कोई हीट नहीं लगाई हुई है, नेचुरल एयर ड्राई हुए हैं, नहा के मैंने इनको छोड़ दिया था। सो दिस इज एयर ड्राइड हेयर, सो दैट्स वाई इट्स लुकिंग लाइक सच अ मेस। बट मैं अब छेड़ना बस बंद हो रही हूँ, व्हाटएवर, ऐसे ही हैं तो ऐसे ही रहें। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आज मैं सुबह उठी, व्हेन आई शावर्ड एंड एवरीथिंग, तो आई थॉट कि बस बहुत हो गया, आई एम नॉट, एक नाइट सूट से निकलो दूसरे में चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, बस आई एम गोना वेयर सम देसी क्लोथ्स। एंड सरप्राइजिंगली उसी वक्त इस लवली लेडी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया हुआ था, उनका ब्रांड का नाम है EN Atelier, मैं नीचे टैग कर दूंगी, शी हैड कांटेक्टेड मी दैट शी विल बी ड्रॉपिंग ऑफ सम क्लोथ्स फॉर मी। एंड उस पार्सल में उन्होंने ये कपड़े और साथ आबे जमजम की एक बॉटल भी दी हुई थी। सो थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको ये तो बेसिकली सुबह उठ के जो मैंने मैनिफेस्ट किया ना, वो अलमिया ने खुद ही पूरा कर दिया विद एन एडेड आबे जमजम ऑल्सो, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। तो अभी मैं आप लोगों को बाहर जाके ये पूरा आउटफिट दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने ऊपर ये जैकेट पहनी हुई है बिकॉज ऑब्वियसली सर्दी, और ये थोड़ा कपड़ा जो है ये गर्मियों वाला है, बट दैट्स फाइन। इसका मुझे लुक बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वेयर इट। सो लेट मी गो आउटसाइड, शो यू इन द फुल लेंथ मिरर। एंड या यू गाइस, आई नीड टू पिक द इयररिंग्स दैट आई वांट टू मैच विद दिस। आई काइंड ऑफ वांटेड टू वेयर दीज वाइट फ्लावर्स बिकॉज वाइट के साथ मैच होंगे, बट ये नजर ही नहीं आएंगे। तो मैं सोची थी ये पर्ल वाले ये पहन लेती हूँ, या फिर ये मेरे ये डायमंड वाले, कितने प्यारे हैं, ये पहन लूँ, या फिर ये वाले द टोरी बर्च पर्ल ड्रॉप, ये भी पहना जा सकता है। चलिए कुछ मैच करती हूँ। दिस इज द फुल आउटफिट फीचरिंग मिस्टर बुलेट, बट बेसिकली इट्स लाइक दिस। मैं भी जैकेट उतार के भी आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। जस्ट स्ट्रेट पैंट्स एंड दिस लवली शर्ट विद दिस लवली गोल्डन बटन्स। द स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई भी है, बहुत अच्छी स्टिचिंग। मुझे लगा था ये पॉकेट्स है, बट ये पॉकेट्स नहीं, होती तो बहुत मज़ा आता, बट आई थिंक उससे कपड़े में झोल आ जाता, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ ये डाले हैं। बट वेरी स्मार्ट लुक, एंड आई हैव जस्ट पेयर्ड इट विद सम ब्लैक खुस्से, क्योंकि एज आई सेड ठंड है तो ओपन जूते इस वक्त नहीं पहने जा सकते, तो मैंने काले खुस्से पहने, और नीचे मैंने काली टाइट्स भी पहनी हुई है क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला है, तो इसलिए इसको जो है ना ठंड से बचने के लिए ये करना पड़ा है। बट लवली लवली आउटफिट, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस। एंड एक्सक्यूज मी सर, अपॉलोजीज, ये उसामा को इतनी आदत है ठक करके जूता जमीन पर रखने की। एनीवे, दिस इज द आउटफिट। साथ उन्होंने मुझे आबे जमजम भेजा, सो थैंक यू। बेसिकली रुक जाए, मैं आपको जैकेट उतार। ओके, सो दिस इज बेसिकली द एक्चुअल लुक। अब थोड़ी सी इस्त्री खराब हो गई है, इग्नोर दैट, बट दिस इज द एक्चुअल लुक। एंड आई थिंक घर के लिए थोड़ा इसको घर के लिए या थोड़ा इसको फॉर्मल करने के लिए जस्ट टेक अ नाइस ब्लैक बैग, सम नाइस शूज। समर्स में पहन रहे हैं तो काली सैंडल्स के साथ पहन लें, बट आई रियली लाइक्ड हाउ सिंपल इट इज। द मेन डिटेलिंग आर दीज लवली गोल्डन बटन्स, लेट मी जस्ट पिक इट अप एंड शो यू। ये देखें, वेरी लवली गोल्डन बटन्स एंड वेरी वेरी हाई क्वालिटी। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया ये भेजने के लिए, और आज इतने दिन बाद आपने ये इतना अच्छा मुझे जोड़ा भेजा है कि मैं सर्दी वाले कपड़े में से निकल के लेजी हो के जो मैं हुई हुई थी इतने दिन से, मैं फाइनली टुडे द चेन ब्रोक एंड आई गॉट अप एंड आई गॉट रेडी, सो थैंक यू। Whistle. Good boy. Okay, you guys, so Sama got back home and I decided कि मैं जल्दी से गाड़ी लेके कुछ काम कराऊँ। ये एक TCS है जो मुझे करना है, ATM से कैश निकलवाना था। रास्ते में एक ATM पे रुकी तो वो उसमें कैश रिफिल हो रहा था तो वहाँ नहीं हो सका, तो अभी एक और ATM पे रुकी हूँ, कैश निकलवाया है।
अब जाएंगे TCS इससे पहले कि वो बंद हो, और आप देख सकते हैं बाहर इतना अंधेरा है. इवन तो अब तो लाइट भी आ गई, बट 5 बजे यहाँ पे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है. सो लेट्स गो बिफोर TCS का वो बंद हो दफ्तर, जाके TCS कराते हैं और फिर देखते हैं और क्या काम शाम है, क्योंकि काफ़ी काम है. और मेरे पास दिन में क्योंकि गाड़ी नहीं थी आज, तो शाम का इंतज़ार करना पड़ा ये सब करने के लिए. तो अब लेट्स गो गाइस, लेट्स टेक आवर बॉक्स टू TCS एंड गेट दिस वर्क डन विद. खुला हो, बस खुला हुआ, खुला है, इट्स ओपन. ओके जी, डन विद TCS फाइनली. अरे सर पे सवार था ये TCS, शुक्र है हो गया, सॉर्टेड, डन. और बस बंद ही होने वाला था TCS वाला भी, सो इन टाइम वो भी हो गया. आई डिड गेट अ पार्सल, आई हैव टू शो यू गाइस दैट व्हेन आई गो होम. सो वो भी आपको दिखाती हूँ, एंड उसके बाद फिर डिस्कशन करनी है हमने कि उस पार्सल के साथ किया क्या जाए. सो वो करना है घर जाके. अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ये आंटी बोल लें, फिर मैं कुछ बोलती हूँ. अब मैं सोच रही हूँ कि और क्या काम है. आई कॉन्ट रियली सीम टू थिंक. आई वॉन्ट टू पिक अप कॉफी, बट अब उसामा अभी ऑफिस से आया, तो मुझे ये भी है कि मैं घर जाऊँ, क्यों, बिकॉज ही जस्ट केम बैक होम. आई एम अ बिट कन्फ्लिक्टेड. आई कैन पिक इट अप फॉर बोथ ऑफ अस, शायद खुश हो जाए. या घर जाके बनाती हूँ कॉफी नेस्प्रेसो में. चलें गाइस, घर ही चलते हैं. ओ, ड्राई क्लीनर, हैड टू स्टॉप ओवर एट द ड्राई क्लीनर. तो पहले ड्राई क्लीनर पे चलते हैं. गाइस, मुझे फूलों की दुकानें नजर आई हैं. तो मैं कासिम भाई के पास रुक गई हूँ कि मैं थोड़ा डैफोडिल खरीदूं. वैसे ही उसामा की ड्यूटी होती है. वो वैसे डैमेज है वो वाले. ये भी डैमेज ही है, दिखाए. नहीं, नहीं, ये तो सही है. ये देखिए खिला हुआ है कासिम भाई, ऐसे ना करेंगे. वो तो मानता हूँ खिला ही है, लेकिन है तो फिर ज्यादा दिन नहीं रहेगा ना. ताजे नहीं है किसी के पास आगे पीछे. किसी को कहे ना ताजे वाले दें. जनरली दिस इज उसामास ड्यूटी, पर मैंने सोचा कभी कभी खुद भी अपने लिए फूल ले लेने चाहिए. ये आप लोगों के गुच्छों को क्या हुआ, इतने छोटे हो गए. मेरे पास ये चीज और उसमें जमीन आसमान. अब ये देखो, ये कितने, रुको मैं गाड़ी जरा उधर तरीके से देखो, कितने वो छोटे हैं, कितनी बुरी बात है ये. अभी इतने महंगे देते हैं और इन्होंने अपनी ना उसका साइज छोटा कर दिया. गाइस ये ऑलरेडी खिले हुए हैं, लेकिन कासिम भाई कह रहे हैं कि अभी आप यही ले लें, क्योंकि धुंध की वजह से बाकी जो हैं वो इतने छोटे छोटे डैमेज से आ रहे हैं. तो इसलिए मैंने अब ये छोटे वाले, ये खिले हुए ले लिए, बिकॉज आई लाइक फ्रेश फ्लावर्स इन द हाउस. अब बाकी ड्यूटी उसामा ही करेगा अपनी, क्योंकि वो ही ढूंढ के लाता है ताज़े अच्छे कहीं से. थैंक यू कासिम भाई, शुक्रिया. फिर कल परसों चेक कर लूंगी. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. नो प्रॉब्लम. चलें जी, लेट्स गो, लेट्स गो. आज उसामा भी शौक होगा कि ये खुद अपने लिए फूल कैसे ले आइए. बिकॉज आई ऑलवेज टेल हिम कि दिस इज योर जॉब, यू हैव टू मेक श्योर वी हैव फ्लावर्स इन द हाउस. Any occasion, you have to make sure we get flowers. You get flowers. तो आज उसामा गोना बी अ बिट सरप्राइज्ड कि ये आज खुद ही अपने लिए ले आएंगे. बट वो मुझे नजर आए तो मैंने कहा चलो, अभी सुबह सुबह ही मैंने सफाई कराते हुए पुराने वाले फेंके हैं, मैंने कहा चलो नए ले लेते हैं. शीशा करें ऊपर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं. चलें जी, ड्राई क्लीनर के पास चलें. चलें, इस ट्रक ने मुझे रास्ते में बड़ा तंग किया है. चलें, लेट्स गो. ये जो बॉयज़ के करने के काम होते हैं ना गाइस, ये इन्हीं पे अच्छे लगते हैं. अब देखिए, मैं आई हूँ यहाँ भी और वो कह रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है, तो इट्स नॉट रेडी टू बी पिक्ड अप, सो ही सेड कम टुमारो. तो अब उसामा साहब अपने काम ये वाले सारे खुद करें, फूल भी खुद लाएं, ड्राई क्लीनिंग भी खुद लाएं, सब कुछ खुद लाएं. मेरा जो काम था TCS वो मैंने कर लिया. अब एक सेकेंड, ओके. अब जो है ना, ये बाकी सारे काम वो खुद ही कर लें तो बेहतर होगा, बिकॉज क्लियरली ये मेरे काम नहीं थे तो वो हुए भी नहीं. अब बस चले, लेट्स गो होम. 300, लेकिन देखो ना खिले हुए. वो उसका खत्म हो गया, मैंने कहा बस एक हफ्ता ताजे आ रहे. मैंने इसीलिए, मुझे कहते हैं आप क्रिसैंथेमम या वो ले ले, मैंने कहा मुझे नहीं लेने. वो भाई कासिद से ले, ये खोल के दे. इनकी असल में खुशबू बहुत आती है ना, उनकी दूसरे वालों की खुशबू कोई नहीं है. लेकिन जो आपके काम है ना, बराए मेहरबानी आप अपने काम खुद किया करें. मैं तो खुद करता हूँ, आज लेट हो गया. ड्राई क्लीनर ने भी मुझे कहा भाजी वो आप कल ले लें. फूल वाले ने कहा फूल नहीं है. रेड वाला दे दिया है उसको. रेड वाला क्या, जो आपका देना था? नहीं, वो दिया ही नहीं. आप खुद ही देना जब कल लेने जाओगे ना. मैं फिर वापिस आ गई. ये वाले बेचारे इतने खिले हुए, ये एक दो दिन ही चलेंगे. पहले पानी लगाते हैं इनको ताजा. नहीं, बट देयर ऑलरेडी, ये देखो ना खिल गए. बर्ड्स नहीं है ये. ब्रश बहुत अच्छा है. थैंक्स, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. थैंक्स वेरी मच. यार भी आप अच्छी, आज घर आके अच्छा लगा हमें.
मैं आज आपके लिए कॉफी लेने लगी थी पर मैंने कहा घर जाके ही बनाती हूं। नहीं कॉफी नहीं है, मैं I'm good. No coffee? No, thank you. Not right now. Maybe at night after dinner. ये देखो ना ये अंदर से आते तो बेचारे सड़े हुए। Hello. Hi, Bullet. Bulltoo. Okay, guys. I've clipped my hair up because मुझे बहुत annoy कर रहे थे मेरे बाल because जब मैं भी heat नहीं लगाती तो ये ऐसे होते हैं। वैसे इतने बुरे नहीं होते बट ये है कि फिर भी थोड़ी बम्पी से होते हैं तो मुझे होता है कि स्टाइल कर लूँ बट टू प्रोटेक्ट माई हेयर एंड नॉट फ्राई देम आई हैव टू लाइक जब मैं कहीं जा नहीं रही होती बहुत फॉर्मली तो फिर मुझे होता है कि मैं हीट ना लगाऊँ सो मैंने हीट नहीं लगाई सो बाल इस तरह के हैं। एनी वे मैंने आप लोगों से करनी थी कुछ बातें तो मैंने सोचा कि वाई नॉट। सो बेसिकली आप लोगों का 2024 कैसा जा रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 2024 कैसा जा रहा है, क्या इफ यू बिलीव इन रेजोल्यूशंस तो आप लोगों के क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या चल रहा है। आई विल स्टार्ट विद माइन। सो बेसिकली माय रेजोल्यूशन फॉर 2024 इज दैट आई वांट टू बी वेरी वेरी मैं बहुत ज्यादा कंटेंट होना चाहती हूँ। ऑलरेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्कड अ लॉट ऑन इट इस साल भी बट इन दिस ईयर ऑल्सो आई वॉन्ट टू बी वेरी कंटेंट विद वट आई हैव। जितना अल्लाह मियाँ दे रहे हैं जितना दे रहे हैं वो भी बहुत है, उसका भी बहुत शुक्र कि इतना भी मिल रहा है, बहुतों को ये भी नहीं मिलता। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट प्रैक्टिस इज जस्ट ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस एंड कंटेंट होना चाहती हूँ कि जिसको जो मिल रहा है मुझसे ज़्यादा वो उसकी किस्मत का है, वो उसके नसीब का है। यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो आप कहते हो यार उसका चैनल कितना ग्रो हो रहा है या उसका फलाना देखो कितना एकदम से लाइक फॉर एग्जाम्पल दे गॉट सो रिच ओवर नाइट और लाइक लुक लाइक देयर चैनल गॉट लाइक सो मेनी सब्सक्राइबर्स ओवर नाइट और उसका बिजनेस देखो एकदम चल पड़ा। लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स कि ये होता है, ठीक है, ये हर किसी की जिंदगी में होता है तो ऑब्वियसली मेरी जिंदगी में भी होता है। बट इस साल भी और अब ये जो नया साल शुरू हुआ इसमें भी मैं यही प्रैक्टिस करना चाहती हूँ कि जिसको जो मिल रहा है वो उसके नसीब का है, वो उसकी किस्मत का है, अल्लामिया ने वो उसके लिए लिखा है। जितना जो मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, उसको शुक्र सब्र करके एक्सेप्ट करें, इंजॉय करें और आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। बाकी इट्स ऑल अप टू गॉड, लीव इट अप टू गॉड बिकॉज दैट इज ऑल हिज डिसीजन और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप रोएंगे पिटेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, दुआ मांगेंगे तो शायद कुछ हो और दुआ मांगने से कहते हैं कि दुनिया बदल जाती है, लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, सो दुआ मांगते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम दिस ईयर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एंड ट्राइंग टू प्रीच एंड ट्राइंग टू टीच माई सेल्फ के इस साल इस एजेंडे पे चलना है, अपसेट नहीं होना, दुखी नहीं होना, दूसरों को देखना। पहले भी मेरे अंदर ये नेचर नहीं था कि मैं देखूं बट ऑल द मोर स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो ना तो आप कभी कभी थोड़ा सा कंपैरिजन आप ना भी चाहो तो लोग कर रहे होते हैं, ओ उसका ये हो रहा है तो आपका ये क्यों नहीं हो रहा, उसका चैनल तो ऐसे चल रहा है आपका क्यों नहीं हो रहा, तो वो आप अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं ये बातें। सो आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट कीप प्लानिंग गुड कॉन्टेंट फॉर यू गाइज और बस यही मैं करना चाहती हूँ, उसके बाद जो हो अल्लाह की मर्जी। बट या सो दिस इज माई थिंग फॉर 2024। आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का क्या सीन है, आप लोगों की क्या वाइब चल रही है, आप लोगों का क्या रेजोल्यूशन है अगर आप लोग बिलीव उसमें करते हैं या जस्ट वन गोल या वन एम जो आपने इस साल के लिए सोचा हुआ है बनाया हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा। हम इतने लेजी हो गए थे घर पर बैठ बैठ के और यॉन कर करके कि अब हम आ गए हैं जून कॉफी पीने। हमने कहा जब कैफे अपना हो तो कैफे से ही पीनी चाहिए, हम क्यों घर में बनाएं, तो हम यहाँ आ गए पीने के लिए। अच्छा नहीं ये मेरी है सामान, ये मेरी है। ओह परफेक्ट एंड आई हैव गॉट अ स्वान। टेक अवे मग में भी इतनी मेहनत हो रही है भाई, अमेजिंग। यस ओनली एट जून गाइस, दैट्स ट्रू। सामा की भी बन रही है अभी। हे कॉफ़ी शॉफी लेके अब कोई दुकान है जिसपे सारा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है आज। मैं पहले मैंने कॉफी नोट भी नहीं की गुजरते हुए, हालांकि हमारे घर के करीब है बट आई हैव नेवर नोटिस्ड। सो वी हैव कम हियर, हमने सोचा कुछ देख शेख लें, शायद हमें सामा की बर्थडे के लिए कुछ मिल जाए। लग तो मैं बहुत ब्यूटीफुल रही हूँ, पता नहीं मेरे बालों को क्या हुआ है बट ओ इट्स लाइक अ फुल फैंसी फैंसी स्टफ स्टोर। ओके गाइस लुक एट हाउ लवली दीज आर, स्पेशली अगर आपने निकाह के लिए कोई मिठाई रख के या दुल्हन की ज्वेलरी रख के अगर देनी हो तो ये कितना खूबसूरत है। देखें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और कितना प्यारा ये ट्रे बन सकता है, इसका बड़ा भी वर्जन है। ये है जी ए बी कलेक्शन,
ओह ये भी बनाते हैं ये देखें बलून का ये गुड यार दिस इज नाइस आई लाइक दिस। अच्छा ये दुकान मैंने कभी नहीं देखी इनके पास ये स्टार वाले ट्रेज भी हैं बट मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगे हैं ये एंड दे हैव डॉयली ऑफ एवरी साइज हु रिमेंबर्स माय शुरू के व्लॉग्स बिल्कुल शुरू के जिनमें मैं डॉयली ढूंढ के पागल हो गई थी और कहीं से नहीं मिल रही थी आपको याद है वो व्लॉग्स प्लीज़ कमेंट कीजिए किसको वो स्ट्रगल याद है। ये देखें यहाँ हर साइज़ की डॉयली पड़ी है एवरी सिंगल साइज हाउ फैंटास्टिक इज दैट गाइस दे इवन हैव दीज कपकेक टॉपर्स और ये 1200 रुपए के हैं इतने की तो ये प्रिंटिंग ही हो जाएगी फिर आपको कट करनी पड़ेगी सो दिस इज स्टिल बेटर दैट बात पक्की दे हैव कबूल है लॉट्स ऑफ डिफरेंट कबूल है निकाह मुबारक ये फिर कबूल है निकाह मुबारक एंड मेहंदी हैप्पी बर्थडे वेरी नाइस आइडिया फॉर लाइक आपने ऊपर लगाने होते ना मिठाई के लगा लें गुलाब जामुन के या किसी चीज़ के फिर तो ये इन्फ्लेटेबल बलून्स वगैरह ये देखें कबूल है कि भी ये बैनर्स आना शुरू हो गए हैं हमारे ज़मानों में नहीं था ये सब हमने तो इतनी सीधी सादी सी शादी की थी वो भी कोविड के ज़मानों में कुछ भी नहीं था ऐसा तब खानों के भी हैं इन्फ्लेटेबल बलून्स अब तो वाह वही ना इतना मतलब हालांकि रिसेंटली हुई थी हमारी शादी पर ये कुछ ज़्यादा सिस्टम फैंसी हो गए लुक एट द साइज ऑफ दिस लामा हाउ क्यूट सॉफ्ट इसमें कितनी सलामी डालें तो ये भरेगा ये तो इतनी हाँ तो लेकिन 10 वाले नोट तो किसी की शादी पे नहीं ना बंदा देता यार इसमें कितनी सलामी जाएगी कि ये इतना मोटा एनवलप भरे ये एनवलप तो एनवलप के स्टाइल के चक्कर में आप खुद कंगाल हो जाओ ये देते देते तो पूरा स्टैक डालना पड़ेगा पैसों का चले लेट्स गो हो गया काम नहीं ओ चलो गाइस हम जून से अपनी फील्ड ट्रिप करके आ गए हैं मिस लैला के घर और ये हमारी फुल पार्टी होगी यहाँ इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ फूड एक्चुअली बट ऑफ कोर्स आई विल हैव सम पकौड़ा वो क्या बना रही हो और है तुम क्या बना रही हो मैं कुछ नहीं बना रही मैं टार्ट बना रही कुछ नहीं बना रही लेकिन मैं टार्ट बना रही लुक एट द टार्ट्स गाइस ये 5 सेकंड में बन गए हैं पता नहीं एकदम फुल स्पीड नहीं पहले भी वीक थी पता नहीं तभी ये हो गया इतना लंबा खातिर तवाज़ा सो नाइस गाइस रात के 2 बज रहे हैं 12 बजे हम लोग घर वापस आए थे और मैं इस सोफे पे बिग बॉस देखते देखते सो गई और अभी उठे तो भूख लग रही थी तो अब मैंने और सामान अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाना मंगा लिया है बिकॉज भूख लग रही थी यार पहले मैंने ग्रीन बीन्स बनाए फिर मुझे उनसे भी भूख नहीं खत्म हुई तो फिर मैंने कहा कुछ मंगा लेते हैं तो अब हम कुछ ऑर्डर किए हैं वो खाएंगे उसके बाद फिर सो जाएंगे क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मैं जिन लग रही हूँ बट एनी वे यू गाइस आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द व्लॉग्स इफ़ यू आर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि आप डिम्पल वाले कपड़े कब दिखा रही हैं और एक दो तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट निकले जो कह रहे हैं आपने आप ऐसे बोल रहे हैं आपने ख़रीदे भी नहीं है ये वो भाई आपके सामने डिलीवर हुए थे वो होटल पर आपने देखा था मैं ऊपर उठा के लाई थी इतना टाइम नहीं है मेरे पास ज़िंदगी में कि मैं कि ये स्टूपिड कंस्पिरेसियाँ करूँ प्लीज़ पता नहीं कौन व्लॉगर्स को आप लोग देखते हैं जो ये ड्रामे करते हैं मैं तो इवन थंबनेल और अपना वो टाइटल भी इस किस्म का रबिश नहीं लगाती तो प्लीज़ वो मैं दिखाऊंगी आई जस्ट नीड टू स्टीम आयरन देम एंड आई एम टू लेजी टू डू दैट सो वो अभी तक मैंने नहीं किया है बट या एनीवे नाउ माई फूड इज़ हियर आई एम गोना ईट दैट एंड देन आई हैव टू डू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन एंड देन आई नीड टू स्लीप